बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तब से भारत में उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में बीबीसी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने समन जारी किया है। बीबीसी के अलावा इस मामले में कोर्ट ने विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया है। मानहानि मामले में ये समन जारी किया गया है। भाजपा नेता विनय कुमार ने इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसको सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने समन जारी किया हुआ है। क्या कुछ है इस मामले में पूरा अपडेट आपको बताएंगे, उससे पहले आप सभी देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन बनाने को लेकर भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बीबीसी को समन जारी किया है। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने ये कहते हुए अदालत का रुख किया कि वो झारखंड भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और विश्व हिंदू परिषद VHP के सक्रिय स्वयंसेवक हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री से इन संगठनों के अपमान से उनकी मानहानि हुई है। रोहिणी कोर्ट अब 11 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। विनय कुमार सिंह ने याचिका में कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और विश्व हिंदू परिषद VHP की मानहानि की गई है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से RSS और VHP को बदनाम किया गया है। डॉक्यूमेंट्री का नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन है। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई थी। बीबीसी ने 2 भागों में इसे रिलीज किया था। RSS और VHP के एक्टिव वॉलंटियर विनय कुमार सिंह ने याचिका में कहा कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई, इसके बावजूद ये विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी। बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों और उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। भारत ने इसे आपत्तिजनक और प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया। गुजरात दंगों के समय नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद आयकर विभाग ने फरवरी के महीने में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर 3 दिन तक सर्वे किया था। IT ने कहा कि सर्वे में कई अनियमितताओं का पता चलता है। बीबीसी पर भारत में आय कम दिखाकर टैक्स बचाने का आरोप भी लगा। बीबीसी पर पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी केस दर्ज कर लिया। विदेशी फंडिंग को लेकर ये मामला बीबीसी पर दर्ज किया गया। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस दौरान PM नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट में बनाया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी 2023 को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। पहला एपिसोड रिलीज होने के साथ ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी साल 2002 में दंगे भड़के थे। जाहिर है, इस एक डॉक्यूमेंट्री ने मोदी सरकार का तमाशा बनाकर रख दिया, जिसके बाद मोदी सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। यूट्यूब पर ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक करने की जगह सरकार चाहती तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के भीतर और बाहर अपना पक्ष रख सकती थी। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में ही लिखा गया कि आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, मगर जवाब नहीं आया। सरकार ने तब क्यों नहीं अपना पक्ष रखा? मोदी सरकार चाहती तो लंदन में मीडिया नियामक संस्था के पास भी शिकायत कर सकती थी, लेकिन सीधा ब्लॉक कर दिया गया। अब इन सबके बाद PM मोदी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी फिर से घिर चुकी है। दिल्ली कोर्ट ने जिस तरह से समन जारी किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश नीति बेबाकी से आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचाता है। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।